हैप्पी करवा चौथ आप सभी को, हैप्पी करवा चौथ मेरे भाइयों को और इसकी बहनों को। बहनें तो मेरी आपकी नहीं है, अरे मैं तो इनकी बहनों को भी हैप्पी करवा चौथ। हाँ, जो देख रही है करवा चौथ की आदेश काम शुभकामनाएं। दोस्तों आज हमारे साथ इतना बढ़िया पोपट हुआ ना, दो नन्हे फरिश्ते आए थे हमारे पास, ये लेके आई थी, कह रहे हम आपके पेड़ काट देते हैं। हमने कहा यार चलो अच्छी बात है, पेड़ों की भी कटाई छटाई होनी चाहिए ना, तो कह रहे पहले ना मैं कुछ खाने के लिए दे दो। हमने उन्हें खाने के लिए पैसे दे दिए, वो खा के आ गए, छोले भटूरे खा के आ गए, और कह रहे सर पानी वानी पिला दो। हमने पानी वानी पिलाया और वो रफू चक्कर, हमने कोका कोला की बोतल भी ली, हमारी बोतल भी लेके भागे। आजकल मैं नहीं लेकर आई थी, वो खुद आए थे, तो मैंने कहा था ठीक है आप करो। आज के जमाने में ना किसी पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो गया यार। शुरू में रजनी के पास जाओ, वो सॉरी वो कथा करने जाना है मुझे, कथा जाओ कथा करके आओ और उसको भी कैप्चर करके लाओ। हाँ, और तब मैं तक मैं इन बच्चों को देख लेता हूँ। दोस्तों आज मैंने छुट्टी कर ली, पता है करनी पड़ी क्योंकि मैं मम्मी बड़ी लेट उठी है, इन्होंने मुझे सुबह ना मैं आज सोई नहीं, इन्होंने मुझे उठाया ही नहीं आज, उठाया और ना उठाया भी नहीं, ये सब उठ के बाहर चले गए रूम से और ना रूम को बिल्कुल बंद कर दिया, उसकी लाइट ऑफ रहने दी और मैं सोई रही, मुझे टाइम का पता भी नहीं चला। देखो दोस्तों इन्होंने खुद ही बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा दिया बाहर से लाकर, मैंने कहा चलो फिर दुखी करना इसको है ना। और दोस्तों अच्छा मेरी मेहंदी में दिखा दूं पहले सभी को, हाँ सुनील लिखा है इसने, तो नहीं दिख रहा सही लिखा है, और ये मैंने लगाई है दोनों हाथों पर खुद से, इसने लगाई है। और दोस्तों अभी ये जाएगी अपने फ्रेंड्स के वहाँ, वहाँ ये पूजा वूजा करेंगे और फिर पता नहीं क्या करेंगे। मैं इसलिए नहीं गया आज ऑफिस क्योंकि मैं काफी लेट उठा था, सही बताऊंगा आपको, तो इसलिए मैं ऑफिस नहीं गया, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं ऑफिस जा करनी पड़ी यार, जब तुम उठी नहीं और ना ये बच्चे भी नहीं गए, अगर बच्चे जाते तो मैं भी उठ जाता ना जल्दी। तो दोस्तों तुमने करवा चौथ का व्रत किया इसलिए तो आज का ब्लॉग बहुत बढ़िया होने वाला है, मजेदार मस्ती वाला और धमाकेदार, बम बम फोड़ देंगे ना क्यों? धमाकेदार तभी तो होगा। और दोस्तों आप किसी पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया आज की हालात देखते हुए। चलो सो बैड दिया मैंने तो आज जो करवा चौथ का त्यौहार है उसके लिए भी मैं भी देखो कितना बढ़िया तैयार हुआ हूँ, शर्ट पैंट पहनी है मैंने ग्रीन कलर की, गो ग्रीन, और वाइफ बड़े देर बाद बहुत देर बाद पता नहीं कहाँ गई हुई थी, अब आ गई है और आके बिल्कुल सज धज के तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ उसकी एक झलक, देखिए ये रही वो ओए गाँव की गोरी, ये राजपूताना स्टाइल, इसने राजस्थानी ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस पहनी है। और ये जो हमने ना यहाँ पे क्या किया है, ग्रीन जितने भी प्लांट्स से हमने यहाँ पे धीरे धीरे अब लगाना शुरू कर दिया है, और ये हमारे सब मीनाक्षी और इसकी भाभी ने दोनों ने, मतलब मेरी भाभी ने, इन्होंने ये करा है, कमाल कर दिया है इन्होंने, राजस्थान की जो वो होती है ना हर जगह ग्रीन कर दिया है। रील बना जरूर बनाते हैं, ठीक है अच्छी लग रही हो। थैंक यू। एक ना भूत वाली फिल्में देख रहे हैं, पता नहीं क्या देखते रहते हैं, सूरज सी लाइट दिखने लग गई। मीनाक्षी ने आज मेरे लिए चाय लाई है, तुम पियोगी क्या चाय? मैं पीऊंगी, पर शास्त्रों में तो लिखा है चाय नहीं पी सकते, तो मैं नहीं पीऊंगी। अरे पी लो पी लो, अब तक दोस्तों कुछ ही सेकंड रह गए हैं अब चांद को आने में, लेकिन मेरा चांद तो मुझे आया है नजर, ओए होए क्या बात है, अच्छी लग रही है भाई मेरी वाइफ, ये मेरे को तो देखो इसको मैंने ही कहा था कि ये कपड़े पहने, मेरे को बहुत पसंद है ये वाले कपड़े, अगर आपको भी ये राजस्थानी ड्रेस पसंद है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। वाइफ मेरी बहुत अच्छी लग रही है, मैंने ही बोला था इसको खरीदने के लिए। चलो चलो चाय पिए, ठीक है आगे कैब। हमारे अंकल जी आए हुए हैं अमेरिका से और आज हम इनको सी ऑफ करने जा रहे हैं। तो
क्या कर रही है मम्मी? आपने पूजा कर ली माँ? फोटो सेशन करवा लिया? फोटो सेशन चल रहा है अभी, बीच में और करेगी। ये देखिए फोटो सेशन। पापा और श्रीजे पता नहीं क्या कर रहे हैं, और मम्मी का भी फोटो सेशन ड्यू है। मीनू करेगी ना? मम्मी अपनी फोटो खिंचवा रही है। फ्लैश में अच्छी आती है। मम्मी का फोटो सेशन कभी खत्म नहीं होता। वो कितनी देर हो गई से बैठे बैठे, क्या हो गया भाई? सुन तो मम्मी भी वीडियो पे लगे हुए हैं, देख कर आओ ना। क्या वीडियो पे लगे हुए हो? अरे चांद आया ही नहीं भाई। वो तभी तो कह रही हूं देख कर आऊं ना। देखे आया मैं, दो बार देखा है। बहुत पहले देख कर आया था। मैंने भी नहीं खाना खाया तुम्हारे साथ। सुबह तो खा लिया था ना? सुबह तो मैंने बच्चों को खिलाया था फिर खाया था। कोई नहीं, पर मैं भी वेट कर रहा हूँ, साथ ही खा लेंगे ना। यार कोई नहीं, अभी बस थोड़ी देर की बात है, फिर एक बार फिर चेक करके आओ प्लीज। अभी जाता हूँ। कैरियर कर लिए हैं उन्होंने, लाइव सीधा प्रसारण हम ले चल रहे हैं। पर चलिए कैमरामैन, मैं चाहता हूँ कि आप चल भाई आ जाओ। चलो चलो भाई ऊपर देखते हैं चांद कैसे दिख रहा है। मैं दिखाता हूँ, मैंने चांद देख लिया था, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए चांद, ये आ गया है चांद। देखिए कितना सुंदर चांद का दृश्य मून पे। इसमें मैं चंद्रयान भी दिखाने की कोशिश करूँगा। अरे यार जूमो, इससे ज़्यादा जूम हो नहीं पा रहा है दोस्तों, क्या करूँ। बस ये डी टू एच दिख रहा है बस। देखिए कनिष्क खारोल ने इन्वेंट किया है। मीनू क्लियर आ रही है इसमें तो? स्वतंत्र रूप से घूम सके। भाई क्या स्वतंत्र रूप? हटो। अरे यार बहुत सही आ रही है वीडियो। चलो ये अपने अपने कर्मों की तैयारी करते हुए बहुत ही चहलकदमी करते हुए हल्की थी। ओए लड़ाई मत करो यार, क्या करें बच्चों का। देखो चांद आधा है। कैमरामैन राकेश रंजन के साथ चल भाई लग जा। वही है चांद, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। देखो मिट्टी भी जाती हुई दिख रही है यहाँ से। मैं यहाँ से पूरा आप, अच्छा अच्छा सॉरी, ये पीछे फेंकते हुए। चलो हो गया भाई फिनिश काम। चांद भी बहुत ऊंचाई पे पहुँच चुके। हम उधर ढूंढ रहे थे और चांद इधर, कह रहा मैं यहाँ हूँ। कैमरा देखो, कैमरा मैंने इधर से। चलो जी प्यार छू गया। देखो हमारी उंगलियां नहीं लगती, उंगलियां लगा के काली पीली कर देती है। ओ भाई साहब प्यारी है, यहाँ भी दोबारा नए प्लेयर आ गए हैं। और नए प्लेयर हट जाओ, दर जानू और सब हट जाओ यहाँ से। चाची तो देखो बहुत अच्छे, मैं इसको चुप करवा रहा हूँ। चाचू भी दिखेंगे और चांद भी दिखेगा। ओ भाई गिरा दिया भाई, दिया मम्मी ने। बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा। तू डैडी सोई मत, क्या पागल है ये। मम्मी पैसे मांगे आपसे। मम्मी ने पानी तो पी लिया। कितनी चिंता है इसको फोन की, इसको फोटो की चिंता है। मैं भी बोलता हूँ फोटो ना मेरे वाले नंबर पे भेजेंगे, ऐसे बोल देना। ठीक है मैं बोल देता हूँ। फिर मैं अच्छी अच्छी रील बनाऊंगी। राजपूती ने स्टाइल में रोटी बना रही है। अच्छा सबसे पहले मैं, हम दोनों हाथ खड़े करो, दस तू भी हाथ खड़े कर ले। और एक चौथा हीरा चलो तुम ये हाथ में ना बेलन लेके मत आया करो यहाँ पे, डर लगता है हमें। देखो 11 कितने बज गए मीनाक्षी, तुम्हें खाना खाते हैं इसके लिए 11 बजने वाले हैं। चंदा मामा अब आए हैं, मेरी बीवी बेचारी भूखी मर गई। ठीक है मैं मीनाक्षी अब खा लूँ आराम से, खाओ है ना। तो आपने बताया ना क्या लेकर आए? मैं अब लेके आऊंगा ना शिवमोगा से।
मियो तू हो मन के भड़काया मत करेगा, लड़ाई में आग लगाती है। ओ मुझे पता है आप कभी नहीं लेकर आओगे। पता है जैसे आग में आहुति नहीं डालते और ये बोलते हैं स्वाहा, वैसे ही नहीं कहती ओ आग में घी लगा डालती है ये। इधर पता तेरे को सब नहीं, साउथ अफ्रीका जीत गई आज बड़ी तरीके से, पीट दिया न्यूजीलैंड को। फर्स्ट पे चल साउथ अफ्रीका। बोलो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। तो अब हम अपने ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। मैंने खाना खा लिया, इन्होंने भी खा लिया, करवा चौथ हो गया। एनर्जी आ गई है, थोड़ा बहुत लड़ भी रही है। और 12 बजने वाले हैं तो करवा चौथ भी खत्म होने वाला है। तो बस अब हम अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो दोस्तों कनेक्ट रहिएगा हमारे, अब ब्लॉग्स आते रहेंगे और क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है। फेस्टिवल सीजन हम इसी टाइम में ब्लॉग बनाते हैं, वैसे हम ब्लॉग कम ही बनाते हैं। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग आएगा अहोई पर, अहोई के फास्ट पे जो बच्चों के लिए होगा। तो अभी के लिए बाय 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 बाय।